नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का एक ऐसा अद्भुत समूह जो कि स्वावलंबी नाम से जाना जाता है, जिसकी संचालिका पूजा तोमर है। वैसे तो समूह में 10 लोग शामिल थे। यह एक ऐसा समूह है जिससे 50 लोग जुड़े हुए हैं तथा वह सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। पूजा तोमर ने बताया कि कोरोना काल जैसी महामारी में भी हम सब ने एक साथ मिलकर मास्क व जूट के बैग बनाने का कार्य किया। हमारे साथ में एक समूह में 10 महिलाएं होती है, लेकिन हमारे साथ में अब शुरू से अभी तक 50 लोग काम कर रहे हैं, जो लगातार कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने मास्क का काम किया, जूट बैग बनाने का काम किया। इस तरह से हम कई अलग अलग काम कर रहे हैं और हमारा समूह हम आज इस जगह पे पहुंचा है कि हम इस जगह को लेकर के हमने काम और भी लोगों को लेकर के हमने इस काम को शुरू किया है। यह स्वरोजगार की एक अच्छी पहल है। बता दें कि स्वावलंबी समूह में कई प्रकार के सामान उपलब्ध है। पूजा तोमर ने बताया कि हमारी बस ये कोशिश है कि अपने साथ साथ औरों को भी स्वरोजगार प्रदान कर सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस समूह से जुड़ सके। उनके पास पहाड़ी रसोई नाम का एक रेस्टोरेंट भी था, जो कि काफी छोटा था और ज्यादा लोग आने की वजह से दिक्कतें होती थी, जिसकी वजह से उन्हें एक बड़ी जगह लेनी पड़ी। यह इतना बड़ा है कि जिसमें बर्थडे पार्टी और छोटे छोटे कार्यक्रम भी करवाए जा सकते हैं। इसमें हमारे समूह की जो महिलाएं हैं, समूह से बनाए हुए जो भी हमारे सामान होते हैं, हम वो सब इसमें लगाएंगे। और जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, हमारी पहाड़ी दालें हैं, वो भी रहेंगी। हमारा जैसे एक पहाड़ी रसोई करके रेस्टोरेंट है, वो वहाँ जगह छोटी होती थी, तो कभी हमारे पास काफ़ी लोग जो आ जाते थे तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। तो उसके लिए हमने ये जगह बनाई है कि पहाड़ी रसोई के लिए कोई बर्थडे पार्टी या कोई ऑफिसली किसी का कोई प्रोग्राम है तो वो यहाँ पर आराम से कर सकता है, इतनी हमारे पास जगह है। उसके अलावा जो हमारे अब कोरोना के वजह से जो हमारे मेले नहीं लग पा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो ये जगह इसलिए हमने लिए कि जिससे कि कई लोग यहाँ पे अपनी स्टॉलें लगा करके अपना काम कर शुरू कर सके। उन्होंने बताया कि वह पहले बाल मिठाई कुमाऊं से ही मंगा लेते थे, लेकिन अब वह खुद बाल मिठाई को अपने घर पर मेवे से बनाकर तैयार करते हैं, ताकि त्योहारों के समय और भी शुद्ध और स्वच्छ मिठाई उपलब्ध करा सके। उनके यहाँ पहाड़ी दालें, उनके यहाँ पहाड़ी कोदे के नमकीन, कोदे के मोमो एवं कई प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है। पहले हम लोग बाल मिठाई नहीं बनाते थे, बाल मिठाई के लिए हम कुमाऊँ से ही मंगाते थे तो या बाहर से लेते थे, तो वो उतनी अच्छी नहीं होती थी। अब हमने अपना घर के मावे से अपनी पहाड़ी मिठाई बनानी शुरू की है। पहले से हम अलसी के लड्डू बना रहे हैं, तो हम चीज़ चाहते हैं कि जैसे आजकल के समय पे को देखते हुए अपनी शुद्धता और साफ सफाई से महिलाएँ उस मिठाइयों को बना रही हैं, जो कि हम त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहारों पर मिठाइयाँ बिकी हमारे यहाँ पर। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नमकीन है, कोदे की नमकीन है, कोदे के मोमो हैं, गोलगप्पे हैं, जो यहाँ पे साफ़ सफाई से अच्छी चीज़ें लोगों को मिल सके। अपने समूह की तरफ से चाहते हैं कि ये समय जो हमारे पास था बहुत संकट का था, कष्ट था, जिससे कि बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, अधिक से अधिक लोग हैं, जो हमारे लोकल एंड वोकल जो मोदी जी का है नारा, उसको हमने सफल बनाना है और हमने अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, बाहर की चीज़ों को कम लाना है। और कोशिश ये है कि दिवाली के टाइम पर अपने बच्चों को भी और अपने भी बम पटाखों का कम इस्तेमाल करें, अपने घर के बनाए हुए दिए, जो मोम के मोमबत्ती दिए हैं, इन्हीं सबको इस्तेमाल करें। तोरण जो महिलाएं समूह बना रहे हैं, इन्हीं सबको इस्तेमाल करें, अपने घर में भी खुशहाली लाएं और दूसरों के घर में भी खुशहाली लाएं। इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को रोज़गार मिले और लोगों को अच्छी चीज़ मिले। हम उत्तराखंड खबर का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें यहाँ तक करने के लिए, हमारी न्यूज़ को कवर करने के लिए किया है, उसका हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिससे कि हमारे लोगों तक ये न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद। कैमरामैन शिवमणि के साथ उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।